जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। देखिए, गुरु जी का तो जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है, गुरु जी की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। और गुरु जी भी कहते थे कि सत्संग जो है हमें सुनना चाहिए। गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनवाते थे वहाँ पर अंपायर स्टेट में, लेकिन मैंने एक आधी सत्संग ठीक से सुन पाई मैं। तो गुरु जी का इतना शुक्राना है। और देखिए, गुरु जी हर बार हर वक्त आपको जवाब भी देते हैं। तो जब मैंने अंपायर स्टेट में सत्संग सुना था, वो डॉक्टर एमपी सिंह अंकल का सत्संग सुना था, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो गुरु जी, डॉक्टर एमपी सिंह अंकल हैं, तो उनका सत्संग कहते हैं चलो उठ के सुना। तो वो जो अंकल हैं डॉक्टर एमपी सिंह, वो सत्संग उन्हें सुनाया। और उन्होंने जब सत्संग शुरू किया तो वो कहते हैं कि उनको जब रात को बता रहे थे, जब तबीयत ख़राब हुई तो चार यमदूत जो थे वो उनको लेने आते हैं। और वो क्या देखते हैं कि जो गुरु जी हैं उन यमदूतों से लड़ रहे हैं। तो और वो ऑब्वियसली उनको, क्योंकि गुरु जी देखिए जब खड़े हैं आपके साथ, गुरु जी अगर जब आपके लिए फाइट करते हैं, कहते हैं ना शिव पुराण ने भी लिखा है कि भगवान शिव के आगे तो यमराज भी नहीं टिकते। तो वो यही बताते हैं कि कैसे जो है जो यमराज थे, जो यमदूत थे, वो उनको अंकल को, डॉक्टर एमपी सिंह अंकल को छोड़कर चले जाते हैं। ये अंपायर स्टेट मैंने सत्संग सुना था। तो अब वो ये सुना रहे थे कि उनको एक्चुअली जो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, जो अंकल की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ पे एक्चुअल में अंकल ने जब अपनी जन्म कुंडली दिखाई थी, उनकी एक सिस्टर है, मुंहबोली बहन है, जो बहुत अपनी सगी रियल सिस्टर से बढ़कर हैं, उनको भी उनकी कुंडली के बारे में पता था। और जिस दिन उनको ये दिखाई दिया था उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस तरह से यमराज यमदूत उनको लेने आए हैं, तो उस दिन उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से उनकी वो एज नहीं थी। मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, जन्म कुंडली के हिसाब से देखें, तो उनकी जो है एज उसी दिन ख़त्म थी जिस दिन उनको यमदूत लेने आए थे। तो अगले दिन उनकी सुबह सिस्टर का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि वो डरते डरते उन्होंने फ़ोन किया, क्योंकि जन्म कुंडली के हिसाब से उस दिन उनको नहीं रहना था। तो ऑब्वियसली अंकल ने फ़ोन उठाया, तो अंकल ने जब फ़ोन उठाया तो वो बहुत डरती डरती बोली आप ठीक हो, क्योंकि वो जानते थे कि उस दिन से उनकी उम्र ख़त्म थी उनकी। तो फिर वो कहते हैं कि जब ये गुरुजी ने उनको भगा दिया तो कहते हैं अब वो गुरुजी ने कहा कि अभी तेरा नया जन्म हुआ है तो उस दिन अब जन्मदिन मनाएगा। तो वो अंकल जो उनका एक्चुअल बर्थडे है उस दिन बर्थडे नहीं मनाते, वो उस दिन जन्मदिन मनाते हैं जिस दिन गुरुजी ने उनको लाइफ दी। तो और भी उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया। तो उसके बाद ना जब मैं ये सब मैंने सुना और मैं घर आई, तो कहीं मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था कि देखो हम लोगों को ये लगता है ना कि सच में, मतलब मेरे को भी मन में ये ख्याल आया कि वाकई यमदूत होते हैं क्या, सच में यमराज होते हैं, क्योंकि पता है होते हैं, लेकिन क्या सच में और क्या वाकई गुरुजी ने उनसे ऐसे उनके लिए लड़ाई की, उन यमदूतों को भगा दिया और गुरुजी ने लाइफ दे दी। तो ये विचार मेरे कहीं ना कहीं मन में बहुत रहा। तो देखिए, फिर ये चीज़ मैंने खुद चीज़ मेरे साथ हुई। तो हुआ ये था कि आई थिंक 2010 में, आप सबको याद होगा कि डेंगू बहुत ज़बरदस्त हुआ था और उसकी चपेट में मैं भी आ गई थी। तो मेरे जो प्लेटलेट काउंट्स आ गए थे वो आ गए थे 10,000 और शाम तक, सुबह 10,000 थे, आई थिंक शाम होते होते तो शायद और भी कम हो गए होंगे। तो डॉक्टर, जब वही हुआ मेरी कंडीशन बिगड़नी शुरू हो गई और मुझे बहुत सीवियर पेन, एब्डोमेन पेन हो गया, बहुत सीवियर पेन था मेरे को। डॉक्टर्स को मैंने यही बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे को कोई मेडिसिन दे दो, कोई भी इंजेक्शन लगाओ, कुछ भी करो, मेरे को ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे को बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन तो लगा देंगे लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, यू नो उस इंजेक्शन का कोई भी साइड इफेक्ट सबको पता है कि, और ऐसी कंडीशन में देखिए कोई भी मेडिसिन देना बहुत ख़तरनाक है, डेंगू में सबको पता है क्रोसिन के अलावा किसी चीज़ से आराम नहीं आता, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मेरी कंडीशन देखते हुए उन्होंने कहा कि देखिए आपको कुछ कुछ मतलब होगा तो बता दीजिएगा। और बाकी जैसे वो मुझे इंजेक्शन लगा, मेरे को इतनी ज़बरदस्त शिवरिंग हुई, मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई मेरी। और लेकिन समहो मैं गुरुजी का नाम लेती जा रही थी और मेरे को उस दर्द में आराम आया।
थोड़ी देर में जब दर्द में आराम आया तो आई थिंक मेरे को जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, और ऑब्वियसली डॉक्टर्स तो देख ही रहे थे मेरे को कि मतलब मेरी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी, और उन्होंने यही बोल दिया था डॉक्टर्स ने कि आप जो है जल्दी से जल्दी ब्लड का इंतजाम करिए, क्योंकि ब्लड चढ़ाना बहुत ज़रूरी था मेरे को। लेकिन पूरा ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हुआ था, हमें खाली 4 यूनिट मिला था जिसमें से एक कोई ले गया था, खाली 3 बचे थे, जबकि मेरे को ज़्यादा आई थिंक था बट आई रिमेम्बर शायद 7 यूनिट की ज़रूरत थी मेरे को। तो खैर वो उसके बाद मेरे को वो प्लेटलेट काउंट्स भी चढ़े, और जब वो चढ़ रहे थे तो मेरे को बहुत शिवरिंग हो रही थी और मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब क्योंकि मुझे पूरे नहीं मिले थे तो खैर जितने मिले डॉक्टर्स ने कहा कि शायद हो सकता है कि इससे इनके प्लेटलेट काउंट्स जो है इंक्रीज हो जाए, और लेकिन मेरी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद जब डॉक्टर्स आए उन्होंने मेरे को देखा, सारा मेरा चेकअप किया, सब कुछ किया, और वो मेरे हस्बैंड को बाहर लेके चले गए, और मेरे हस्बैंड को वो कहते हैं डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से कि आपकी वाइफ के पास से 15-20 मिनट बचे हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप किसी फैमिली मेम्बर कोई आपका एडमिट है उसको ऐसे बोल दिया जाए कि उनके पास से 15-20 मिनट बचे हैं तो आप सोचें कि क्या कंडीशन हुई होगी। तो मेरे हस्बैंड जो थे जो बाहर कॉरिडोर में खड़े थे तो वो बिल्कुल ऐसा हो गए कि ये गुरुजी ने, और वो माँ काली को बहुत मानते हैं, कि माँ काली ने ये उनकी लाइफ में क्या किया कि नीलम के पास सिर्फ इतना टाइम बचा है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब माँ काली को और गुरुजी को अरदास करने लगे कि ये क्या किया है। मेरी मदर अंदर थी तो वो बहुत अंदर, वो उनको लग रहा था कि इसकी मदर को कैसे मैं बताऊँगा, बच्चों को कैसे बताऊँगा, कैसे मैं फेस करूँगा, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर आने की। तो उसी वक्त ही कोई डॉक्टर निकल के जा रहे थे वहाँ पर, तो डॉक्टर एकदम से कहते हैं कि अरे इतनी रात को यहाँ कैसे खड़े हो। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो कहते हैं सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। तो वो कहते हैं एकदम से कहते हैं कि अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना, तो उन्होंने कहा सर हाँ जाते तो हैं, तो कहते चलो अपनी वाइफ से मिलवाओ। तो वो आए, अंदर आए और मेरे को कहते हैं आपको कैसा लग रहा है, मैं कहा सर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, कहते हैं बोलो जय गुरु जी, मैंने कहा जय गुरु जी, कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो देखिए वो जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत थी कि मैं आज सबके आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी। अब देखिए जब ये चीज़ मेरे साथ चल रहा था तो उसके 10 दिन के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग जो है सत्संग रखेंगे। तो सत्संग हम लोगों ने रखा, यानी 24 अक्टूबर को मेरे घर में फर्स्ट सत्संग था 12:30 ऑनवर्ड्स। तो अब ये था कि मैं तो इतनी बुरी कंडीशन में निकल कर आई थी और बिल्कुल बिल्कुल बहुत वीक हो गई थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो लेकिन ये था कि भाई गुरुजी का सत्संग रखवाए तो क्या करें। तो ऐसे मैं रात को सोते सोते ना, मतलब सोने से पहले सोचते मैं गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी आपका लंगर है जो बनेगा वो तो सारा देसी घी में बनेगा, क्योंकि उस टाइम मेरे बीमार होने की वजह से फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और काफ़ी दिक्कत आ गई थी एक्चुअली। तो मतलब ऑब्वियसली देसी घी जब सब कुछ बनेगा तो मैं कैसे अफोर्ड करूँगी, यू नो, मतलब थोड़ा दिमाग में कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में सब चल रहा था कि पूड़ियाँ भी देसी घी में तलवानी है तो कैसे करेंगे, इतनी संगत हमने बुलाई है। तो रात को मुझे ड्रीम में गुरुजी दिखाई देते हैं कि तू सत्संग करवा ले फिर तू किसी से मिल नहीं पाएगी, और पूड़ियाँ जो है तेल भी तलवा ले। तो देखिए ये जो देसी घी वाली बात थी वो तो गुरुजी ने पूरी मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि तेल के अंदर तलवा लेना पूड़ियाँ, लेकिन सत्संग करवा ले फिर किसी से मिल नहीं पाएगी, इस बात ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। तो गुरुजी ने खुद कहा है, तो कहते ना रब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप उस पर कितना खरा उतरते हो। तो ये वो बात हुई मेरे साथ। तो अब मैं सुबह उठी, मैंने कहा मेरे को तो ऐसे ड्रीम आया है और गुरुजी ने तो ऐसे से बोला है। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी फिर हम सत्संग ही नहीं करवाते। तो मैं कहा नहीं देखो लेकिन गुरुजी ने ये तो बोला है ना कि पूड़ियाँ तेल भी तलवा ली, इसका मतलब सत्संग तो होगा। तो हमने सत्संग रखवाया क्योंकि मैंने कहा गुरुजी ने बोला है सत्संग मतलब करना है तो सत्संग तो होगा। हम लोगों ने सत्संग करवाया 24 अक्टूबर की रात को, जैसे दरबार लगा होता है तो हम लोग वहीं पर सो गए थे दरबार के आगे। तो रात को जब 12 बजने वाले थे तो क्योंकि मुझे गुरुजी की बार बार वो बात याद आ रही थी कि तू सत्संग करवा ले फिर किसी से मिल नहीं पाएगी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं अगला दिन मेरे लिए क्या होगा कैसे होगा। तो रात के 12 बजने से पहले मेरे हस्बैंड को बच्चों को बड़ा प्यार किया कि पता नहीं अगला दिन में क्या होता है। तो वैसे तो मैं बहुत थोड़ा लेट उठती हूँ,
लेकिन उस दिन अगले मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह मेरी आँख खुल गई और गुरुजी का दरबार लगा था। गुरुजी को मैंने ऐसे प्रणाम किया तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि सत्संग करवा ले किसी से मिल नहीं पाएगी, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और अपने आप को मैंने देखा, मैं सच में हूँ ना, मतलब सच में जिंदा हूँ ना, मैंने अपने आप को देखा। मैंने कहा गुरुजी लेकिन ऐसे कैसे, मैं बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे लाइफ दी, आप ने मुझे मतलब जिंदगी नई जिंदगी दी है, लेकिन आपकी बात तो गलत नहीं हो सकती। तो कुकी आंटी हैं उनको मैंने कॉल किया और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे बात है, तो कहते हैं अरे तू समझ नहीं पाई गुरुजी की बात को, गुरुजी ने क्या कहा था, वर्डिंग्स वही हैं देखिए। तो गुरुजी कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं कि तू सत्संग करवा ले फिर किसी से मिल नहीं पाएगी, अगर मैं सत्संग नहीं करवाती तो शायद किसी से मिल नहीं पाती। तो देखिए सभी कहते हैं कि जो गुरुजी कहे वो मान लेना चाहिए। अब देखिए अब इसके बाद गुरुजी ने लाइफ दी, मैं बहुत शुक्राना मैंने गुरुजी को किया कि गुरुजी आपने मुझे नई लाइफ दी है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे ड्रीम आता है। देखिए हमारे मन में कई बार ये होता है ना कि ये जो सांसें हमारी चल रही हैं शायद हमारा हमारी किस्मत होगी, हम इतनी लिखवा के लाए हैं। तो हर बात गुरुजी काउंटर कन्फर्म करते हैं कि कैसे मैंने तुम्हें लाइफ दी है कि मैं तुम्हारे लिए यमराज से भी लड़ पड़ता हूँ। तो अब क्या होता है कि मेरे को एक ड्रीम आता है और उस ड्रीम में क्या है कि यमराज जी जो है मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो अब देखिए कैसे गुरुजी ये बात भी वो करवाते हैं कि जब मैंने डॉक्टर एमपी सिंह अंकल का वो सत्संग सुना था कि गुरुजी ने यमदूत से लड़े थे क्योंकि ये एम्पायर स्टेट में सत्संग सुनाया था, तो ये तो सारा सच था। तो लेकिन दिमाग में बस ये था कि वाकई ये सब कुछ होता है। तो देखिए वही चीज़ मेरे साथ हुई कि मैंने देखा कि यमराज वहाँ तो उनके पास यमदूत लेने आए थे, मुझे तो खुद यमराज लेने आ गए थे, तो वो यमराज मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं और मैं आगे आगे भाग रही हूँ। और भागते भागते मैं जो हूँ अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ, मम्मी के घर पहुँच जाती हूँ, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि एक सरदार अंकल हैं, उनको मम्मी का घर किराए पे चाहिए। तो उनको मैं कहती हूँ कि अंकल अभी आप प्लीज़ मेरा ना मोबाइल नंबर और मेरा नाम लिख लो, मैं किराए की बात आपसे बाद में करती हूँ। तो ये उनको मैं बोलती हूँ तो अचानक मुझे एकदम रियलाइज़ होता है कि एक बार गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा मोबाइल नंबर और नाम लिखा था। गुरुजी ने कहा था कि डॉक्टर मेरा एक काम करा दे, तो ला अपना मतलब फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, तो गुरुजी ने अपने खुद हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो मुझे ये बात ड्रीम में याद आती है कि एक बार गुरुजी ने अपने हाथों से ऐसे ही मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो जैसे मुझे ये बात याद आती है तो मैं जब सोचती हूँ और तो एकदम यमराज मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं गुरुजी ने लिखा था, कहते हैं ओहो इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। तो देखिए एक आंकड़ा नहीं बोला उन्होंने, कहा आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। दो बार उन्होंने बोला कि इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। वो देखो कैसे गुरुजी ने मुझे ये चीज़ दिखाई कि देख यमराज ने तेरे को छोड़ दिया क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा जब मैंने मोबाइल नंबर और नाम लिखा था तो मैंने अपने खाते में तेरी रजिस्ट्री कर ली थी, अब तू मेरी शरण में है। ये कितना बड़ा मैसेज मुझे मिला और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी को। तो देखिए जहाँ हम ये चीज़ सोचते हैं ना, जब मैं डॉक्टर एमपी सिंह अंकल का सुन रही थी तो थोड़ा मन में ये था कि वाकई ये सब कुछ होता है, और देखिए सब कुछ मेरे साथ हुआ। और अब जब ये शिव पुराण मैं पढ़ रही हूँ उसमें भी जब ये बार बार कई बार ये चीज़ आती है कि उनके बिना तो यमराज भी किसी को छू नहीं सकते, तो हमें इसीलिए गुरु जी को हमेशा याद करते रहना है। जैसा वो सोचेंगे, जैसा हमारे लिए चाहेंगे, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। हाँ डेफिनेटली मेरी हमेशा गुरुजी से अरदास रहती है कि गुरुजी साहब सबकी फैमिलीज को जो है बहुत अच्छे से आप रखो, सबकी फैमिलीज बनी रहें, सब पे आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स करो, सब आपसे जुड़े, आप पर बहुत बहुत मेरी गुरुजी की बहुत बढ़ियाई हो, बहुत महिमा मेरी गुरुजी की बढ़े। तो ये चीज़ मेरे से हुई। उसके बाद देखिए अभी ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद पता नहीं 2004 या 5 या 6, मुझे ईयर याद नहीं है कि कौन सी ईयर की ये बात थी डॉक्टर एम पी सिंह अंकल की। अब क्या हुआ कि इतने सालों बाद मुझे अचानक डॉक्टर एम पी सिंह अंकल का ध्यान आया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उस टाइम एक अंकल ने सत्संग शेयर किया था, क्या वो अंकल वाकई आज भी जिंदा है, मतलब अगर गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था तो क्या वो आज भी, या वो थोड़े पीरियड के लिए मतलब ठीक हुए थे या क्या हुआ था, क्योंकि मेरे को अचानक बड़ी क्यूरोसिटी हुई उनके बारे में जानने की कि वो अंकल कहाँ है डॉक्टर अंकल। तो कह रहे नहीं भाई अब ऐसे तो कुछ पता नहीं है कि भाई कौन कहाँ है कैसे है क्या है, और ऐसे भी इतने साल हो गए, वो उसी टाइम काफ़ी थोड़ा ओल्ड हो गए थे तो और भी ओल्ड हो गए होंगे, पता नहीं है नहीं है क्या हुआ उनका। तो
काफी टाइम ऐसा निकल गया। अब एक बार मैं कहीं किसी सत्संग में गई, तो जब मैं वहाँ सत्संग में गई तो किसी ने एकदम से बोला कि डॉक्टर साहब आप तरह सत्संग शेयर करिए। तो मैं जैसे ही उठने लगी तो एकदम पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्योंकि अब वो भी अब देखिए वहाँ पे 3-4 डॉक्टर्स बैठे हैं, अब डॉक्टर साहब बोला गया तो वो तो किसी को भी बोल सकते हैं। तो लेकिन वो क्योंकि मुझे देख के बोल रहे थे तो इसलिए मुझे लगा मुझे बोल रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि उनको बोला जा रहा है। तो वो कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं भी जिद करने लगी, मैंने कहा नहीं अंकल आप प्लीज़ थोड़ा सा करिए और आप वो करके। और जब मैंने उनकी तरफ देखा ठीक से और जब वो अपना सत्संग शेयर करने लगे, उनमें भी पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई। 3-4 घंटे तक शायद वो सत्संग करते रहे और पता चला कि वो जो डॉक्टर सत्संग शेयर करते वो डॉक्टर MP सिंह अंकल ही थे। तो देखिए कहाँ जब मेरे इतने सालों बाद मेरे दिमाग में जब उनके बारे में कोई ख्याल आता है, उस एक कैसे वो अचानक मेरे से मिलते हैं और गुरुजी मुझे बताते हैं कि वो देखना चाहती थी ना कि वो आज भी हैं या नहीं है, उनकी एज कितनी उम्र बड़ी है, देखो आज भी जिंदा है और वो सत्संग शेयर कर रहे थे। और उन्होंने जो सत्संग शेयर किए, यू नो अमेजिंग सत्संग, अमेजिंग, मतलब उनके सत्संग में हमने मेरे को यही पता चला कि पता तो है ही हमें, लेकिन सच में संगत जी बिलीव मी आप गुरु जी से जुड़ गए हैं ना, वाकई आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरु जी से आप जुड़ गए हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए क्योंकि वो जानी जाने, वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, एक एक पल की खबर रखते हैं आपके बारे में, एक एक चीज़ का उनको पता है, वो सब कुछ जानते हैं। आपने पुरानी संगत से सुना भी होगा ना कि वो तो एकदम से स्कैन कर लेते थे सबको, तो सच में वो सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं जानते वो। एक बार गुरुजी के पास मैं माथा टेक रही थी तो ये चीज़ें लोग मैं बताती हूँ कि वो जो हुआ था जब मेरे को लाइफ दी गुरुजी ने। तो देखिए इसके साथ मैं अब बैक जाती हूँ 2004 में, मेरे बेटे का जन्मदिन था तो मैं अपने बच्चों का जन्मदिन इकट्ठा मनाती हूँ क्योंकि बेटी का भी पास में बर्थडे आता है। तो अचानक पाल आंटी का रात को फ़ोन आता है कि तो गुरुजी के मंदिर में होगी ना, तो इसलिए मैंने इस टाइम फ़ोन किया तेरे को विश करने के लिए कि कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स आए वहाँ से। तो मैंने कहा नहीं मैं तो घर पर हूँ, और देखिए यही शायद टाइम हो रहा था। तो वो कहती हैं कि अरे आज गुरुजी का दिन है और तू बच्चों को जन्मदिन मना रही है, गुरुजी के पास नहीं है उनको ब्लेस करने के लिए, करवाने के लिए। तो मैंने कहा, मैंने सबको बोला पैकअप, सब अपने अपने घर जाओ और हम तो गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं एम्पायर स्टेट। तो हम लोग गुरुजी के मंदिर पहुंचे और बहुत लेट हो गए थे क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और एक फैमिली को भी हमने रास्ते में कहीं छोड़ा, तो बहुत घुटनों घुटनों पानी भर गया था, गाड़ियां बीच में ख़राब थी। समहाउ वी रीच्ड एम्पायर स्टेट। जब हम वहाँ पहुँचे एम्पायर स्टेट तो सब आंटी ने डांट लगाई है मेरे को, एक सिंगल आंटी वहाँ खड़े थे तो उन्होंने डिकस के डांट लगाई कि आंटी कोई आने का टाइम है आज, तो वैसे ही गुरुजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आप अभी इतनी लेट आ रहे हो। तो मैंने कहा आंटी सॉरी, मतलब हम लोग लेट आए लेकिन अब बच्चों का जन्मदिन बना, आज मैंने मनाया है, बेटे का जन्मदिन है, सिर्फ गुरुजी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो। कहती वो तो पॉसिबल नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद तो नहीं मिल सकता, कि गुरुजी जो है अपने रूम में अब जाने वाले हैं, पर इतना सा दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर उसमें से गुरुजी के जितने दर्शन हो गए हो गए। और वही हुआ, गुरुजी अपने रूम में चले गए, हमने गुरुजी की बैग देखी, वही माथा टेका, मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर आंटी ने कहने लगी देखो आंटी अगर अपने लंगर करना है तो लंगर कर लो क्योंकि वाइंड अप हो रहा है सारा। तो मैंने कहा नहीं आंटी हम लोग यहाँ तक फुल है, बच्चों का जन्मदिन है ना, तो क्योंकि हम पूरा पेट भर के गए थे क्योंकि मैंने कहा था देखो वहाँ लंगर हो सकता है ना मिले तो पूरे अच्छे से खाना वाना सब खा के जाना, और बर्थडे का दिन था तो वैसे ही बहुत हैवी था, हम लोगों ने पूरा फुल होके वहाँ पे गए। तो आंटी ने जैसे ही कहा कि लंगर कर लो, मैंने कहा नहीं आंटी हम यहाँ तक फुल है लंगर नहीं करेंगे। तो फिर वो आंटी चले गए, फिर कोई और सेवादार आ गए, फिर उन्होंने हमसे पूछा आंटी लंगर कर लो वाइंड अप हो रहा है। मैं कहा नहीं अंकल हम बेटे का जन्मदिन है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो हम यहाँ तक फुल हैं। तो आप जो भी सेवा आते जा रहे थे वो मुझे यही बोल रहे थे लंगर कर लो, और मैं कह रही थी नहीं अंकल हम यहाँ तक फुल हैं, बेटे का जन्मदिन है अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। फिर एक आंटी देख रहे थे तो कहने लगे आंटी एक काम करो आप ना अंदर चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा डांट ही पड़ जाएगी ना आपको, तो कोई बात नहीं डांट खा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग अंदर चले गए और मैंने कहा चलो कोई नहीं आज गुरुजी की डांट भी खा लेंगे। तो अंदर गए तो जो अंदर वाले सेवादार थे अब वो भी यही कहने लगे आंटी लंगर किया। मैं कहा नहीं अंकल हम लोग यहाँ तक फुल हैं, बेटे का जन्मदिन है अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते आंटी वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरे सेवादार आए, फिर वो भी वही क्वेश्चन पूछने लगे आंटी लंगर किया, और मैं सबको यही आंसर कर रही हूँ कि नहीं हम यहाँ तक फुल हैं, लंगर नहीं करेंगे, गुरुजी का अगर आशीर्वाद मिल जाए बेटे का जन्मदिन है। अब कहते ना गुरुजी की मेहर, अगर उनकी कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं हम लोग वहाँ बैठ गए कि शायद गुरुजी आ जाए।
मैंने देखा मेरे साथ पे मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा उनको बोला, मैंने कहा आंटी आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू। शी सेड फॉर वॉट? तो मैंने कहा आई जस्ट लेफ्ट नॉन वेज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो शी सेड शी आस्क्ड मी हाउ, तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि किस तरह से मेरा नॉन वेज छोड़ गया, मैंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया, ये किस तरह उनकी एड्स आती थी या जो भी उन्होंने एक कुछ चलाया था कि भाई मतलब हमें एनिमल की वो नहीं खाना चाहिए, मतलब ये नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो समा जो भी था, देखिए मेरे दिमाग में बात क्लिक की, मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं खाया गया। तो अब देखिए गुरुजी महाराज की कृपा, गुरुजी जो हैं अब बाहर आते हैं, गुरुजी ने टी शर्ट पहनी थी, पैंट पहनी हुई थी, और बाहर आए और गुरुजी बैठे हुए हैं। तो डर भी लग रहा था कि गुरुजी अब डांट ना दे कहीं हमें। तो एकदम से मेनका आंटी उनको कहती हैं कि गुरुजी यू नो शी लेफ्ट द नॉन वेज। तो गुरुजी ने तब गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, तो गुरुजी कहते वधिया किता। तो गुरुजी ने देखा तो मुझे डर भी लग रहा था अब गुरुजी डांटेंगे। तो गुरुजी ने थोड़ी देर हमें ऐसे इशारे से ऐसे करके बुलाया और मैं गुरुजी के पास गई, हम लोग पूरी फैमिली गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने पहला क्वेश्चन किया, लंगर किया। तो आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी हम यहाँ तक फुल हैं, तो गुरुजी कहते पहले लंगर कर कर आओ फिर बात करना। तो मैं किचन में गई, मैं किचन में बोला, मैंने कहा अंकल प्लीज़, मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ तक हम फुल हैं, लंगर नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो आप प्लीज़ एक चपाती प्रसाद देना, उस चपाती प्रसाद को हम चारों एक एक बाइट ले लेंगे, लंगर करने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। अब क्योंकि गुरुजी ने बोला तो गुरुजी की बात तो हमें रखनी है। तो अंकल कहते ठीक है आंटी आप बाहर बैठो, ठीक है वो मान गए कि ठीक है मैं एक चपाती प्रसाद ले आऊँगा। तो अब उसके बाद हम लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, सोचिए गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, हम लोग लंगर के लिए बैठे हुए हैं, कुछ सेवादार हैं वो हमारी वेट कर रहे हैं कि लोग लंगर करें तो वाइंड अप करें, क्योंकि सारा तो वाइंड अप हो गया था वहाँ पे सब कुछ। तो अब जो है लंगर की थाली आती है, और आप मानोगे संगत जी कि जो लंगर की थाली थी दैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। देखिए दो चपाती से ज़्यादा नहीं मिलता था एम्पायर स्टेट में, मैं एक चपाती के लिए अंदर बोलने गई हूँ और उस दिन डबल लंगर प्रसाद था। और तीनों के तीनों जो है हस्बैंड और बच्चे मेरी तरफ देखने लगे कि ये क्या, बोला था ना कि एक चपाती प्रसाद, हमारी तो हिम्मत है नहीं खाने की, तो अब आप खाओ। और उसके बाद चाय जो चाय प्रसाद का गिलास पूरे भर कर वो भी हमारे सामने चार गिलास आ जाते हैं। अब इतना सारा प्रसाद, इतनी सारी चाय कैसे खाएं? देखिए अब जो ना, क्योंकि अब गुरु जी महाराज सामने बैठे हैं, अब कोई और भी हमारे साथ में संगत बैठी कि जहाँ हम उनको ये बोले कि भाई आप खा लो आप खा लो, तो खाना ही हमें है और गुरु जी हमारी तरफ देख रहे हैं, लंगर प्रसाद हमारे सामने पड़ा है तो हम खाएं कैसे, लेकिन खाना भी है। तो अब देखिए धीरे धीरे हम लोगों ने कहीं ना कहीं लंगर प्रसाद जो है खाना शुरू किया। अब जब लंगर प्रसाद हम लोग खा रहे थे, गुरु जी देखते जा रहे थे और हम लोग लंगर प्रसाद करते जा रहे थे, एंड बिलीव मी संगत जी वो लंगर प्रसाद, डबल लंगर प्रसाद हम लोगों ने कैसे खाया, सोचिए रब सामने बैठे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने ही वो कृपा दी। बहुत ही मेरा गोल्डन मोमेंट था वो वाला कि रब ने अपने सामने मेरी पूरी फैमिली को लंगर प्रसाद खिलाया आधी रात को। तो क्योंकि हमने बहुत धीरे धीरे खा रहे थे, हम लोगों से खाया नहीं जा रहा था, तो लेकिन देखिए गुरु जी बैठे रहे तब तक जब तक हम लोगों ने लंगर प्रसाद नहीं किया। तो ऐसे रब कहाँ मिलेंगे आपको, यू नो गुरु जी इतने प्यारे हैं, यू नो मेरे को इतना अंदर से मन ऐसा हो जाता है, मेरे को कई बार इतना रोना आता है कि गुरु जी आप इतने प्यारे हो, इतना प्यार दिया आपने हमें, और सच में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, यू नो हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो उन्होंने हमें बोला है उनकी वचनों पे हम चले। बट मेरे को सच में वो दिन याद आता है ना, क्योंकि एक सेवादार ने मुझे रियलाइज़ कराया कि आंटी आपने कभी रियलाइज़ किया है कि रब ने आपको बैठ के लंगर खिलाया? तो सच में वो बहुत प्यारा मेरा मोमेंट था, कि बहुत ही खूबसूरत मोमेंट। उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद जब किया तो फिर गुरुजी ने हम लोग थोड़ा बैठे थे, उसके बाद गुरुजी ने फिर हमें बुलाया और मुझे लग रहा था डांटना पड़ जाए, तो खैरा नहीं हुई, लेकिन उस दिन गुरुजी बड़े खुश। और गुरुजी ने जब हमें लंगर प्रसाद मतलब के बाद बुलाया तो फिर गुरुजी ने पूछा हाँ भी क्या करते हो क्या, मतलब ना गुरुजी हमेशा मेरा नाम पूछते थे की नाम है तेरा की नाम है तेरा, तो मैं हमेशा कह रही थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो फिर वही हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, तो फिर हस्बैंड वहीं खड़े थे, तो जैसे उनको गुरुजी को पता चला कि सफदरजंग हॉस्पिटल में है, तो गुरुजी कहते हैं डॉक्टर मेरा एक काम करा देगा। अब सोचिए गुरुजी हमें कह रहे हैं काम कराने के लिए, जो दुनिया मतलब जिनके पास जाती है, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ। और मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपका काम हो जाएगा। तो गुरुजी एकदम से मेरी तरफ देखते हैं, तो कहते चलो पहले पेन लाओ पेपर लाओ।
तो गुरु जी ने अपने हाथों से बोला, हाँ भाई, मैंने कहा गुरु जी डॉक्टर नीलम, अपने हाथों से गुरु जी ने डॉक्टर नीलम लिखा। फिर गुरु जी ने मेरा मोबाइल नंबर पूछा, मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया, गुरु जी ने अपने हाथों से मेरा मोबाइल नंबर लिखा। तो फिर गुरु जी कहते हैं हाँ आपके पास फ़ोन पहुँच जाएगा। तो मैं तो बड़ा खुश हुई कि चलो गुरु जी का फ़ोन आएगा, गुरु जी की तरफ से कोई फ़ोन आएगा। तो फिर गुरु जी का जो ड्राइवर था छोटू अंकल, तो उनको बोला कि डॉक्टर साहब को फ़ोन कर लेना। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी गुरु जी काम हो जाएगा। तो गुरु जी एकदम से कहते हैं कि काम तो कब का हो गया। तो अब हम थोड़ा वो हो गया कि भाई काम हो गया, गुरु जी कह रहे काम करा देना। तो खैर आने भी अब गुरु जी की महिमा। तो आप देखिए कि जब हम लोगों ने लंगर करके वहाँ से निकले, उसके बाद जब गुरु जी ने भी बहुत सारी बातें की, और फिर गुरु जी ने मुझे ये भी कहा कि तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं डायरेक्ट ब्लेस करूँगा। तो मेरे का मन में सोच रही थी, मैंने कहा चलो फ्रेंड्स को तो ले आऊँगी किसी तरह से करके, लेकिन क्योंकि देखिए उस वक्त 2004 में किसी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था गुरु जी के बारे में बताना, स्पेशली पेशेंट को। अब पेशेंट को मैं कोई ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आ रहा है तो उनको मैं गुरु जी का गुणगान कर रही हूँ, उनके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स को अपने पेशेंट्स को जोड़ूँ, और मेरी जो फ्रेंड्स हैं और पेशेंट्स हैं वो तो डायरेक्ट ब्लेस हैं गुरु जी से। तो गुरु जी ने ये बात बोली है मुझे खुद। तो खैर वो मैं बहुत सारे अपने पेशेंट्स को लेकर गई, अपनी फ्रेंड्स को लेकर गई गुरु जी के पास में, और गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी उनको। तो अच्छा फिर क्या होता है कि उसके बाद गुरु जी ने बहुत सारी बातें की हमसे, और फिर हम लोग जाने लगे, गुरु जी से आज्ञा ली। तो जब मैं बाहर निकली तो फिर एक सेवादार अंकल आए, तो वो कहते हैं आंटी, डॉक्टर आंटी, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। अब मैं वापस अंदर गई तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने एक एनवेलप दिया, उस पर लिखा था गुरुजी अक्टूबर 2nd अक्टूबर 2004, गुरुजी ने अपने हाथों से लिखा, और वो एनवेलप मुझे पकड़ा दिया, और गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि खोलो इसको। तो जब वो एनवेलप मैंने खोला और मैं गुरुजी ने अपने दो स्वरूप ब्लेस किए हमें दिए, वो लॉकेट जो पहनते हैं ऐसे करके वो देते थे। अब देखिए उस दिन में ये मेरे बेटे का बर्थडे गिफ्ट था, और वो कैसे था कि मेरा बेटा जब वहाँ पे छोटा था, उस वक्त 9 साल का ही था, तो वो हर किसी से पूछता था कि आपको ये किसने दिया, लॉकेट किसके ने दिया, मुझे कब मिलेगा। तो हर कोई आंटी अंकल कहते थे कि बेटा ये तो गुरु जी देते हैं, उनकी मौज होगी तो वो आपको देंगे, हमें भी नहीं पता गुरुजी ने दिया है। तो बेटा मुझे हमेशा कह रहा था मम्मी आपसे तो गुरुजी इतनी बातें कर लेते हैं, आप प्लीज़ गुरुजी से मेरी एक लॉकेट मांग लो। तो मैं कहती थी नहीं मैं गुरुजी से ऐसे कुछ मांगूंगी नहीं, गुरुजी ने जब देना होगा तब दे देंगे। तो देखिए उस दिन बर्थडे वाले दिन उसमें दो लॉकेट जो मेरा बेटा हर किसी से मांगता फिरता था, कभी गुरुजी से नहीं बोला, जन्मदिन वाले दिन दोनों बच्चों को एक एक उन्हें तभी गले में डाल लिया कि गुरुजी ने हमें बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो वो मैंने आज भी सब कुछ ऑब्वियसली गुरुजी के हाथों लगा हुआ एनवेलप है, सब कुछ है, संभाल के रखा हुआ है, तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो अच्छा उसके बाद देखिए अब हम लोग फिर चले गए वहाँ पर। अब ये देखिए कि जो ये उस दिन हम लोगों ने डबल लंगर प्रसाद किया, और गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा जो मोबाइल नंबर और जो नाम लिखा था 2010 में, क्योंकि जब गुरुजी ने जब कहा ना कि वो काम तो हो गया था, तो मैंने बाद में छोटू भैया से पूछा, मैंने कहा छोटू भैया वो हुआ क्या कि आपका फ़ोन तो आया नहीं। कहते हैं आंटी उस दिन एक्चुअली उनके वाइफ को सफदरजंग में एडमिट करवाना हुई थी क्योंकि उनकी डिलीवरी होनी थी। कहते हैं आंटी मुझे भी नहीं पता था, मैं तो गुरुजी के साथ था और बेटा जो है सुबह ही उसके हो गया था। तो वो हमें बाद में समझ में आया, लेकिन मैं फिर इतने सालों से सोचती रही कि गुरुजी ने मेरे अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, तो उसका क्या मतलब था, फिर कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब होगा। तो देखिए 2010 में ये मुझे जवाब मिलता है, और तब मुझे देन आई रिकॉल कि ओ गॉड उस दिन जब गुरुजी ने डबल लंगर प्रसाद खिलाया था तो उस दिन गुरुजी मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे थे, मेरी फैमिली को ब्लेस कर रहे थे। और जो याद मुझे आता है ड्रीम के अंदर कि गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा मोबाइल नंबर और नाम लिखा था, तो देखिए कैसे यमराज जी मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो गुरुजी का हर चीज़ जो है ना, एक एक चीज़ हमारी कनेक्ट करती है, व्हेन वी कनेक्ट आवर डॉट्स के हाँ भाई ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि लंगर प्रसाद में उस दिन हमने इतना सा भी नहीं छोड़ा, हम लोग पूरा खाया, तो उस लंगर प्रसाद में ब्लेसिंग्स थी कि जो मुझे लाइफ थी गुरुजी ने। तभी बार बार कहा जाता है कि लंगर प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग्स हैं, लंगर प्रसाद कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि कई लोग लंगर प्रसाद मना कर देते हैं या नहीं खाते हैं, या जो चाय प्रसाद आती है उसके साथ जो प्रसाद आता है कि नहीं हमने नहीं लेना। तो देखिए प्लीज़ आप मना मत करिए, लंगर प्रसाद पूरा खाइए, जो मिल रहा है ज़बरदस्ती खा लीजिए, थोड़ा ओवर भी खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लंगर वो प्रसाद है, वो आपकी दवाई है। इतनी कहते हैं ना
भर भर के दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि वो प्रसाद आप थोड़ा एक्स्ट्रा खा लो, शायद आपकी दवाइयाँ छूट जाए, आपकी बीमारी दूर हो जाए। गुरु जी ने कितनी संगत के, देखिए जो डायबिटीज पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है उनको वो सब चीज़ें खिलाई जो डॉक्टर्स ने मना की थी। तो इतना शुक्राना है ऐसे रब का जो ऐसे बहुत सिंपल तरीके से आपको ठीक करते हैं। गुरु जी क्या चाहते हैं हमसे कि आप खाली गुरबाणी सुनो, तो प्लीज आप गुरबाणी ही लगाइए। जो भी देखिए ये गुरु जी का कोई कीर्तन नहीं हो रहा, ये गुरु जी का सत्संग है। तो हमें गुरु जी की गुरबाणी जो बोली गई है, स्पेशली जो गुरु जी ने चूज की है, गुरबाणी तो बहुत है क्योंकि गुरु जी ने कहा था एक बार कि मैं वो चूज कर रहा हूँ जिससे मुझे पता है मेरी संगत कनेक्ट होगी। तो जो भी आपने किसी का भजन या कीर्तन कुछ भी लगाना है, कोई भी ऐसा, वो प्लीज आप गुरबाणी के बाद लगाइए। या लगाना भी चाहते हैं तो प्लीज 1 घंटा कंटिन्यू पहले गुरबाणी लगाइए, उसके बीच में कोई भी वो नहीं लगाइए। क्योंकि देखिए जो गुरबाणी है वो गुरुओं की बाणी है, और जो ये भी कोई भजन गाता है या कुछ है, ये हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। प्लीज डिफरेंस समझिए इस बात के लिए। मैं कहीं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी के वक्त भी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे उस वक्त भी, कि कोई भी देखिए किसी का कोई भी भजन होता था, कुछ भी होता था, वो सब बाद में लगता था। कोई फिल्मी सॉन्ग हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब बाद में लगा करता था। लेकिन पहले गुरु जी 2 घंटे शब्द वाणी लगाते थे। तो हम गुरु जी को मानते तो उनकी क्यों नहीं मान रहे हैं? तो प्लीज आप जो है शब्द वाणी ही लगाइए। और एक चीज़ और मुझे बोलनी है कि जब हम लोग आरती करते हैं, क्योंकि पहले गुरु जी की शब्द वाणी चलती थी, जैसे बड़े फंक्शन में आरती होती थी, और जब आरती होती थी वो करीब 9 साढ़े 9 बजे होती थी, और गुरु जी आई थिंक 7 7:30 पहुँचते थे, उसके बाद आरती होती थी। तो आरती हमने बाद में करनी है। और वैसे तो देखिए रब का तो कहीं कुछ भी कभी भी कर लो, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम प्रोटोकॉल हमें जो गुरु जी बता गए हैं वो हमें कैसे हमें वही फॉलो करना चाहिए। अब आपने एक चीज़ और देखा होगा कि हम आजकल चाय प्रसाद के साथ लोग बहुत कुछ कुछ खाने को दे देते हैं, वो प्रसाद देते हैं खाने को, वो ठीक है, गुरु जी का प्रसाद है आप खाइए, लेकिन उसी झूठे हाथों से प्लीज आरती मत करिए। अगर आरती करनी है तो प्लीज आप हाथ धो लीजिए। तो क्योंकि झूठे हाथों से आप आरती करेंगे ठीक थोड़ी है। और ऐसे ही जब गुरु जी के टाइम क्या होता था, जब हम अंदर जाया करते थे अंपायर सीट में अंदर, सबसे पहले हम हाथ धोते थे। आजकल हाथ धोने का मैं देखती हूँ कहीं कुछ है ही नहीं। हाथ धो के हम अंदर बैठते थे, उसके बाद जब लंगर प्रसाद होता था फिर वापस हम लोग बाहर जाया करते थे, पूरी लाइन लगती थी हाथ धोने की, उसके बाद हम आते थे, फिर गुरु जी से आज्ञा लेते थे। यहाँ पे लोग लंगर प्रसाद करते हैं उसी झूठे हाथों से गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आपको सोचिए, कोई झूठा झूठा झूठे हाथ अगर आपको लगाएगा आपको अच्छा लगेगा? यहाँ आप गुरु जी के को टच करके आप झूठे हाथों से जा रहे हैं। ये गलती मेरे से भी हुई, लेकिन मैंने आप इसको सुधारा है, क्योंकि शायद वो गुरु जी ने ही मुझे याद दिलाया, क्योंकि मेरे को तो वही चीज़ बतानी है ना, क्योंकि अब मैंने करना शुरू किया है तो मैं फिर ये चीज़ बोल रही हूँ कि आपने हाथ धो के प्लीज ये सब चीज़ें करनी है। झूठे हाथों से गुरु जी का ये सब प्लीज उनको टच नहीं करना है। मतलब मैं वही शेयर कर सकती हूँ जो मैंने गुरु जी के यहाँ देखा है। और आरती जो है ओम जय श्री बंकारा, क्योंकि कोई भी आरती आरती आप लगाना चाहो प्लीज उसके बाद लगाइए, वो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए जो गुरु जी ने अपने सामने प्ले करवाई तो कुछ तो उसमें बात होगी ना, जो चीज़ें गुरु जी ने अपने सामने की हैं, रब ने करी हैं अपने सामने। ये कोई मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ कि आप ऐसा करो वैसा करो। और जो सिंगर भी आते हैं तो उनको आप पहले 1 घंटा आप गुरबाणी लगाओ, उसके बाद आप उनको बोल सकते हो करने के लिए। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक आंटी है, कुकी आंटी की बात बता रही हूँ मैं, और ये मैंने कभी पुरानी संगत से मेरी बात होती रहती है तो आप इसलिए उनसे पता चला मेरे को कि एक बार क्या हुआ, आई थिंक बैसाखी का ही, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद बैसाखी का जैसा आ रहा है फंक्शन। तो उस दिन गुरुजी ने उनको बोला भाई आंटी तो फिर किन्नो बुलाइए। तो आंटी ने एकदम से कहा कि गुरुजी वो जो पता नहीं कौन से रागी का नाम लिया कि गुरुजी उनको बुला लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा अगर मैंने उनको बुला लिया तो संगत तो उनको देखेगी, मुझे कौन देखेगा, कि रब इत्थे बैठा है और संगत उन पर ध्यान कर रही है। संगत जी कितना बड़ा मैसेज है कि वाकई अगर गुरुजी बैठे हैं और रागी बैठे हैं तो आप शब्द वाणी उधर उधर ध्यान जाएगा, गुरुजी भी थोड़ी जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी में क्या है ना, आपको जो मेडिटेशन वाला और है कि आप ध्यान लगा रहे वो और है, बाद में क्या है गुरुजी मस्ती करवाते थे, इसलिए लाइव सत्संग सॉरी लाइव जो सिंगिंग होती थी कुछ भी था वो बाद में होता था कि आप इंजॉय करो अब मस्ती करो। अब हम लोगों ने खूब डांस किया है उस वक्त भी जब सिंगर आते थे, खूब हम गुरुजी बैठे होते थे, हम लोग खूब डांस वांस कर रहे होते थे।
तो बेसिकली ये सब चीजें बाद में जो भी इंजॉयमेंट की है। और अगर किसी को सिंगर बुलाना भी है तो अपना आधा घंटा, चाहे आधा घंटे या गुरबाणी लगाओ, एक गुरबाणी बहुत तरीके से, और वही गुरबाणी लगाइए जो गुरु जी के टाइम प्ले होती थी। और जब आप बाद में कोई किसी घर में कोई बड़ा फंक्शन है, कुछ है, जब आप डांस भी करते हो तो आप वही प्ले करिए जो गुरु जी के टाइम में जो भी नंबर्स प्ले हुआ करते थे। एंड इट्स अमेजिंग, आप झूम जाओगे संगत जी, बिलीव मी, गुरबाणी में भी आप डूब जाओगे और वो जो बाद में प्ले होते थे उसमें भी आप झूम जाओगे। मैं जब कहीं जाती हूँ और अगर मुझे वो सब चीज़ें सुनने को नहीं मिलती, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। तो आप वाकई देखिए, कोई देखिए आगे बहुत लोग गुरु जी के बारे के लिए बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनका भी आप लगा सकते हो, लेकिन पहले आप वो लगा के देखो, क्योंकि हमें तो गुरु जी में रमना है ना, हमें तो गुरु जी में डूबना है, उनके वो नशा हमें करना है ना गुरु जी वाला, तो हमें तो वो चीज़ चाहिए। तो वो ऑरा तभी आपको आएगा जब आप वाकई जो गुरु जी के टाइम की चीज़ें हैं जब आप उनको प्ले करोगे। तो देखिए, अगर किसी को मेरी बात कुछ बुरी लगी हो, कोई हर्ट हुआ हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे को किसी को हर्ट नहीं करना है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैंने गुरु जी के टाइम चीज़ें देखी है। तो और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगी हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।